लिए चलते हैं आपको टोबा टेक्सिंग, जहां मकामी एमपीए चौधरी सईद अहमद सईदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टेक्सिंग में 3.5 साल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार में एक रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग की तारीख में। ये एक वाहब टेन्योर था जिसमें बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं टोबा टेक्सिंग में लाए गए, लेकिन आज की वो इसकी डिटेल तो मैं बाद में दूंगा, एक पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट में करूंगा। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम मैंने डेवलपमेंट के काम करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जिसमें शोरको रोड जो एक दरीना मसला था टोबा टेक्सिंग की आवाम का, जो कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको कभी भी अच्छे तरीके से बना हुआ मुझे नज़र नहीं आया। तो जब मैं बतौर एमपीए मुंतखब हुआ तो मैंने एक हैवी करोड़ हैवी अमाउंट लगाकर उस पे काम मुकम्मल करवाया, तकरीबन 4.7 करोड़ रुपया उस वहाँ पे खर्च हुआ। तो वहाँ पे जो लगी संगे इफ्तिताह की जो प्लेट वहाँ पे लगी हुई थी, तो उसको 2-4 दिन पहले उसको अखाड़ा गया। तो मैं इस पे पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात की कि जिसने ये काम करवाए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। आप बोर्ड तो अखाड़ सकते हैं, आप नेम प्लेट तो उतार सकते हैं, लेकिन आप टोबा टेक्सिंग की जो आवाम है उसको सईद अहमद सईदी का नाम जो है दिलों से नहीं निकाल। कल मैंने सोशल मीडिया पे जो देखा कि मुस्तफ़ा आबाद की रोड जिस पे मैंने 1,17,92,000 रुपया जिसकी अमाउंट थी, टफ टाइल की अप्रूवल करवाई, जो जिसके टेंडर मुकम्मल हो चुके हैं, और 20 के करीब लोगों ने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे मोहल्ले का ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसके लिए फ़ंड भी रिलीज़ करवाई। तो सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि 1 माह तक उसके काम को रोके रखा, सिर्फ इसलिए रोके रखा कि इसकी हमने इफ्तिताह इसका करना है, संगे बुनियाद इसकी रखनी है। ये हमारे ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि फंड होने के बावजूद 1 माह तक इस काम को रोके रखा। अब कल वहाँ पे इफ्तिताह हुआ है कि जी हम इसकी संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, इस काम को इस स्कीम को हमने अप्रूव्ड करवाया और वहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं। मैं इस बात की भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जो स्कीमें हमने अप्रूव्ड करवाई, जिसके हमने टेंडर करवाए, वर्क आर्डर हो गए और मौके पे काम शुरू हो चुका था, उसको रोक कर अपनी नेम प्लेट लगवाई जा रही हैं, इफ्तिताह किए जा रहे हैं, ये नहायत अफसोस की बात है। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप होश के नाखन लें, आप डेवलपमेंट लेके आएं, हम मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, टोबा टेक्सिंग की आपको अवाम अप्रिशिएट करेगी। आप किसी के कामों को मत अपने नाम से मंसूब करें। इसी के साथ साथ हमारे टोबा टेक्सिंग की 20 के करीब जो रोड्स हैं अप्रूव्ड हो चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट में ने उस पर फंड्स होने के बावजूद काम रोका हुआ है, जिसकी डिटेल मैं मीडिया को दे रहा हूँ। खुदारा जिसमें टोबा टेक्सिंग का जो रजाना रोड फाटक है, रेलवे फाटक से जो अंडरपास तक ड्यूलाइजेशन है, इसके साथ साथ 20 के करीब स्कीमें हैं और वहाँ पे उसको काम को रोका जा रहा है। मेरी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, इनको काम करवाएं, इसको मुकम्मल करवाएं। किस बात की देर है? आप किसी जमात का आलाकार ना बने, आपकी जो इंतजामी जिम्मेदारी है कि उसकी डेवलपमेंट को मुकम्मल किया जाए। उसी के साथ यूनिवर्सिटी का एक लिंक रोड है जिस पे पत्थर पड़े हुए हैं और बहुत सारी स्कीमें जो हैं जिन पे पत्थर पड़े हुए हैं और फंड्स इनके पास मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टोबा टेक्सिंग की आवाम का जो हक है, आप उनकी स्कीमों को अप्रूव किया जाए और ताकि सकते कहानी थी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि उन स्कीमों पर जिन पे काम रुका हुआ है। और इसी के साथ टोबा टेक्सिंग PP121 में हर गांव के लिए 20 लाख रुपया मुख्तस है, जिसकी डेवलपमेंट को रोका जा रहा है कि जी अभी आप रुक जाएं। ये गवर्नमेंट मेहमान गवर्नमेंट है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने दोबारा आना है तो हम इस स्कीमों को मुकम्मल करेंगे, हम किसी स्कीम पर इनकी नेम प्लेट लगने नहीं देंगे।
अगर ये लगाना चाहते हैं तो फंड्स लेके आए, स्कीमें लेके आए, अप्रूव्ड करें, तो हमारे वर्कर भी अप्रिशिएट करेंगे और मैं भी अप्रिशिएट करूंगा। इसी के साथ साथ जो एक टोबा टैक्सिंग में कब्जा माफिया रूज पर हो चुका है, जैसा कि आपने देखा 296 बिल्कुल टोबा टैक्सिंग का मुलेका बाईपास, जहां पे लोग एकड़ एकड़ पर कब्जा कर रहे हैं। अगर किसी गरीब आदमी का 5 मरले 10 मरले पर कब्जा है, उनको तो डिमोलिश किया जा रहा है। जिसका एक एकड़ पर रकबा है, उसकी उसकी तरफ इंतजामिया देख भी नहीं रही, खामोश तमाशा ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम के साथ इक्वल सलूक किया जाए। अगर गरीब आदमी वहां पे बैठा है, उसके घर को तो आप गिरा चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने एक एकड़ पे कब्जा किया हुआ है, 3 डेटे स्टे की गुजरने के बावजूद इंतजामिया के पास करोड़ों का यह रकबा है, इतना वक्त नहीं है कि उस स्टे के खिलाफ वहां पे दावेदार बने कि ये सरकार का रकबा है। टोबा टैक्सिंग की धरती को लावारिस ना समझें, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग की प्रॉपर्टी है। ये इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी को ऐसे हम जाया नहीं होने देंगे। मेरी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि कम अज कम आप जिन जो कब्जा माफिया है वहां पे इक्वल सलूक करें, और उनका जो रकबा है उसको वागजा करवाएं, तमाम के साथ इक्वल सलूक हो। तो ये मेरी 3 गुजारिशात थी, जिसके लिए मैंने अपने प्रेस के भाइयों को रिक्वेस्ट की है और अपने चेयरमैन हजरात को रिक्वेस्ट की है। और जो हालात पैदा हो रहे हैं, तो टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर हैं उनमें तशवीश पाई जाती है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ऐसे होशी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने किसी नेम प्लेट को नहीं हाथ लगाना। जिसका क्रेडिट जिसने काम किया है, उसी को इंशाल्लाह उसका क्रेडिट मिलेगा। और जो टोबा टैक्सिंग की डेवलपमेंट है, जिसमें अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जिस पे काम जारी हो चुका। चौधरी सईद अहमद सैदी का कहना था कि मंजूर शुदा टेंडर और मंसूबे जिनके फंड उनकी ग्रांट से मंजूर हो चुके थे, अब उन मंसूबों की संख्या बनियाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से करवा कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और चक नंबर 296 गाहबे में सिर्फ PTA के कारकुनों के मकानात गिराए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ सर राणा, सिटी मीडिया, टोबा टैक्सिंग।